तो यार आज के दिन की फर्स्ट अपडेट बोल जानी के बारे में है। तो बोल जानी का इंस्टाग्राम का अकाउंट डिसेबल हो चुका है, जिसके ऊपर 17K फॉलोअर्स थे। तो अभी इसके बारे में उमर अंजुम का कहना है कि अगर बोल जानी के न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए तो मैं एक गाना ड्रॉप करूंगा। तो उमर अंजुम की स्टोरी के कुछ ही टाइम बाद बोल जानी के न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। तो उमर अंजुम ने गाने का नेम तो नहीं बताया, लेकिन उमर ने डेट रिवील कर दी है। तो उमर का नेक्स्ट टैग 6 सितंबर को आउट होने वाला है। इसके अलावा इन फ्यूचर उमर अंजुम का मोमना मनीर के साथ पॉडकास्ट भी आने वाला है। रिसेंटली देसी हिप हॉप थॉट्स की तरफ से DHH रैपर्स के लास्ट 30 डेज के सब्सक्राइबर्स की लिस्ट देखने को मिली है। तो नंबर 1 पर हैं बादशाह, जिन्होंने लास्ट 30 डेज में 1.38 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। एमटी स्टैन ने 120K और किंग ने 110K, एमईवे ने 100K। तो किंग ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कहा है, 3rd in 30, कमिंग टॉप 2nd in October। तो अभी मैं आपको कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्टों के बता देता हूँ। तो यंगस्टर्नर्स ने 31K, बोल जानी ने 8.4K, रैप डीमन ने 2K, उमर अंजुम और फादी ने 1.8K और हाशिम नवाज ने 1.2K सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं लास्ट 30 डेज में। तो अब बात कर लेते हैं सुल्तान के बारे में। तो सुल्तान की एक एल्बम आ रही है जिसका नेम है रैप गोड। इसके अलावा गिपी गरेवाल की भी एल्बम आ रही है जिसका नेम है लिमिटेड एडिशन। तो इस एल्बम में गिपी गरेवाल का सुल्तान के साथ भी एक ट्रैक है, जेट बुक द फायर फीचरिंग सुल्तान। तो अब बात कर लेते हैं मुफाड के बारे में। तो मुफाड ने स्टोरी में कृष्णा को पोक किया है। मुफाड ने एक गाना प्ले किया हुआ था, मैगी ना दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे वालों की। इसके अलावा मुफाड ने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुफाड को कहा जाता है, भैया दोबारा बीफ कर लो कलमकार वालों से, हमें मजा आ जाएगा। तो मुफाड का कहना है, सीधा बोलना, तुझे फिर से कागजात देखने हैं। एंड देन उनको कहा जाता है, बीफ फिर से शुरू करनी है क्या? तो मुफाड का रिप्लाई करते हुए कहना था, तू बता, तू जो बोलेगा सब वही करेंगे, तू बोल। तो अब बात कर लेते हैं शेट्टी शाह के बारे में। तो शेट्टी शाह की ईपी आ रही है जिसका नेम है पता लोग। तो इस ईपी में टोटल 4 गाने हैं। ईपी में 3 गाने सोलो हैं, लेकिन टाइटल ट्रैक में बेला और ओपसी की फीचरिंग है। तो ये कंप्लीट ईपी 9 सितंबर को आउट होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में। तो मोजो जोजो का DMC के साथ एक ट्रैक आने वाला है जिसका नेम है ईसा वाइब। तो ये गाना कल को आउट हो जाएगा। और कल को बंटे रिकॉर्ड्स पे थोरट का ट्रैक भी आने वाला है जिसका नेम है जीने दे। तो अब बात कर लेते हैं रिलीज्ड ट्रैक के बारे में। तो पुटी टोपी गैंग का स्पॉटिफाई पर एक ट्रैक आउट हुआ है जिसका नेम है जंगल, और इसका म्यूजिक वीडियो कल यानी कि फ्राइडे को ड्रॉप हो जाएगा। बेला के पाइथन ट्रैक का म्यूजिक वीडियो भी आउट हो चुका है। इसका म्यूजिक वीडियो कल ही आउट हो जाना था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से आउट नहीं हुआ। तो अभी FI म्यूजिक की तरफ से आउट हो चुका है। नेक्स्ट ट्रैक रोबसी का है स्टैंड अप। तो ये गाना भी आपको स्पॉटिफाई पे मिलेगा। और इसके अलावा रैप थोर और शिशु का भी एक ट्रैक आउट हुआ है जिसका नेम है विनर। तो इन सभी ट्रैक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल यार इतनी अपडेट्स हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।